तो चलिए आज हम यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे जिसमें हम कंप्यूटर की स्पीड की टेस्टिंग करेंगे। सभी ने सुन रखा है कि कंप्यूटर की स्पीड जो है हमसे काफी ज्यादा होती है, क्लियर है? तो कंप्यूटर की स्पीड जो है उस कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को हम डिजिटल प्रोसेसिंग कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर में सारी प्रोसेसिंग डिजिट्स पे होती है या नंबर्स पे होती है, इसलिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिजिटल होती है और नंबर पे की गई प्रोसेसिंग जो है वो हमेशा एक्यूरेट होती है, हमेशा सही रिजल्ट ही आपको मिलेगा। तो इसकी प्रोसेसिंग का कुछ फ्लो इस तरीके से होता है, इनपुट देने पर वो नंबर्स में कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल प्रोसेसिंग होती है, फिर नया नंबर जनरेट होता है, नए नंबर को ऑब्जेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल जाता है, क्लियर है? अब हम चेक करेंगे कंप्यूटर की स्पीड हमारे स्पीड से कैसे ज्यादा होती है। हम इसको आइए चेक करते हैं। यहाँ पर अभी चेक करने वाले हैं, मेरे सामने कैलकुलेटर ओपन है, कैलकुलेटर आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यानी कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए बोलूंगा और आपको भी काम करने के लिए बोलूंगा, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, क्लियर है? तो चलिए मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है 8/2, देखते हैं कैलकुलेटर पहले आंसर देता है कि आप पहले आंसर देते हैं। बताइए 8/2 फोर कितना? फोर फोर ओके, देखते हैं कंप्यूटर फोर क्या आंसर दे रहा है, देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ने भी 4 दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पहले आंसर दे दिया, क्लियर है? तो यहाँ पर तो मुझे लगा नहीं कि कंप्यूटर की स्पीड काफी ज्यादा होती है। अब थोड़ा सा नंबर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8.25 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि कंप्यूटर पहले आंसर देता है कि आप पहले आंसर देते हो और करेक्ट आंसर कौन देता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8.2651। अगर आप लोग कंप्यूटर का या कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कौन पहले आंसर देगा। अब देख पा रहे हैं कि टाइप करने में समय लगा, जैसे मैंने क्लिक किया कंप्यूटर बहुत करेक्ट आंसर मिली सेकेंड्स में दे दिया। और इस चीज को आप बिना कैलकुलेटर के ये आंसर लाइए, 3 से 4 दिन आपको लग जाएगा और गारंटी भी नहीं होगी कि आप उसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे, क्लियर है? तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर की स्पीड और अपनी स्पीड में अभी अंतर पता चल गया होगा। डिवाइड करना छोटा काम नहीं है, हमको लगता है प्लस माइनस डिवाइड इनटू कंप्यूटर ये छोटे छोटे काम कर रहा है तो कोई भी कर लेता है, ये तो हम भी कर लेंगे, लेकिन डिवाइड करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना छोटा काम नहीं है। अभी आपको यहाँ पर पता चल गया है कि डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए आप लोग अब 2 से 3 दिन अपना गंवाएंगे, उसके बाद भी एकदम सही रिजल्ट आपको मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है बिना किसी मशीन के। जबकि मुझे यहाँ टाइप करने में थोड़ा सा समय लगा और जैसे ही मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया वो मिली सेकेंड्स के अंदर मुझे यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर दे दिया। इतना बड़ा आंसर आपको लाने में बहुत समय लगेगा अगर आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो, और कई लोग तो ऐसे होंगे जो अभी थक के हार जाएंगे कि मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कंप्यूटर ने जो काम 1 सेकेंड में कर दिया आपको करने के लिए उसको 2 से 3 दिन लगेगा और गारंटी भी नहीं रहेगी कि वो सही है कि नहीं। तो ये ही वो एडवांटेज है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। उस एडवांटेज को हम एक वर्ड में बोल सकते हैं स्पीड, दूसरा बोल सकते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ हमको आउटपुट देता है कंप्यूटर और हमारे काम को आसान कर देता है। मेरे सामने कोई कंप्यूटर बैठा है और मेरे सामने कोई पर्सन बैठा है तो मैं अगर ये काम कंप्यूटर को दूंगा तो मुझे एक्यूरेसी के साथ फटाफट रिजल्ट मिलेगा, वहीं किसी पर्सन को ये काम बोलूंगा तो वो एक्यूरेसी के साथ मेरा आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है, समय भी लगेगा, प्लस वो सैलरी भी मांगेगा, फिर वो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उसको सोना भी होता है, उसको कई ठो और काम भी होते हैं। जबकि कंप्यूटर की कभी तबीयत खराब नहीं होगी, वो कोई डिमांड नहीं करेगा और आपका काम जो है वो फटाफट और सही सही करके देता है। यही एडवांटेज है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, क्लियर है? तो हम अपना जो अभी देखे, हमने दो चीजों को देखा, डिजिटल वर्ड वर्ड जो है कंप्यूटर के साथ क्यों जुड़ा है वो हमने देखा,
कंप्यूटर में सिर्फ क्या काम होता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये देखा। और कंप्यूटर में जो काम होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं, और हमने एक एग्जांपल करके देखा जिससे हमको पता चल गया कि हमारी स्पीड कंप्यूटर से बहुत ही ज्यादा कम है, जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा कम है। दूसरी चीज हमने ये देखा था कि कंप्यूटर की जो स्पीड है उसी की वजह से हम इसको यूज कर पा रहे हैं। अब जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा था जिसमें हमने फटाफट कैलकुलेट कर दिया था, ये वाला स्कोर आंसर आ गया था हमारे पास 4। एक्चुअली हमने इसमें कैलकुलेशन नहीं किया, हमको याद था ये, इसलिए फट से हमारे दिमाग से या मुंह से निकला 4। जबकि दिमाग लगाने की बात कही गई तब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ा या दिमाग लगाना पड़ा, और हमारा दिमाग अब स्लो हो गया। तो कई लोगों को आप देखते होंगे कि इसका दिमाग बहुत तेज है, फटाफट कैलकुलेशन करता है या इस टाइप का, तो उसमें मेमोरी पावर ज्यादा होती है, बहुत सारी चीजों को वो याद करके रखता है, इसलिए वो फटाफट कैलकुलेट कर पाता है। एक्चुअली दिमाग की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है मशीन की अपेक्षा। क्लियर। तो ये था हमारा, दो वर्ड के बारे में देखे थे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीजें और देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग है ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है, और क्यों वर्ड प्रोसेसिंग लिखा गया है, और क्यों हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, वर्ड हमारा जो सेकेंड यूनिट है ना वो एमएस वर्ड नहीं है बल्कि वर्ड प्रोसेसिंग है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है वो देखते हैं। सेकेंड यूनिट में हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि ऐसा कोई चीज जो लिखे हुए वर्ड को प्रोसेस कर लेता है या उसको। सर आवाज बिल्कुल क्या आ रही है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि ऐसा कोई भी चीज जो लिखे हुए वर्ड को समझ सके और प्रोसेस कर सके। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो, और जैसे ही मैं स्पेस दे रहा हूँ, देखिए ये मेरे वर्ड को समझ गया और पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिक कैपिटल कर दिया। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर ही आर ए बॉय, तो ये मेरे लिखे हुए वर्ड्स को समझ गया और यहाँ पर ग्रामर की गलती बताने लग गया मुझे। ठीक है, ये जो वर्ड है आर वो गलत है बोल रहा है ये, तो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर पा रहा हूँ। यानी कि ऐसा कोई भी चीज जो हमारे लिखे हुए वर्ड को प्रोसेस करे और समझे, उसको सुधारे, उसमें चेंज कर सके, हमें सजेस्ट करे, हमारे काम को आसान करे, वो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड प्रोसेसर के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस, आप सुने होंगे कि लिब्रा ऑफिस, स्टार ऑफिस या वर्ड स्टार या एमएस वर्ड। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम लिब्रा ऑफिस यूज करें या फिर स्टार ऑफिस यूज करें या एमएस ऑफिस यूज करें, स्टार ऑफिस पैकेज, कई सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, और आपके मोबाइल में भी एमएस ऑफिस के लिए कोई मोबाइल का सूट होता है, उसका नाम आपका है कुछ ऐसा पैकेज है मोबाइल में ही जिससे आप एमएस वर्ड की फाइल वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड, लिब्रा ऑफिस का जो एमएस वर्ड होता है, स्टार ऑफिस, और इस तरीके से और भी आपको मिलेंगे, और गूगल डॉक जो है वो भी है। तो यहाँ पर हमको वर्ड प्रोसेसिंग सीखना है ना कि एमएस वर्ड सीखना है। तो चूंकि इसमें से सबसे आसान और आसानी तरीके से चलाने के लिए हमको एमएस वर्ड ही मिला है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसमें फीचर्स भी ज्यादा हैं और ये काफी आसानी से उपलब्ध भी होता है, इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग को सिखाने के लिए इसका एग्जाम्पल लिया गया है। तो हमारा जो सिलेबस है वो है वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर, जिसमें हम एमएस वर्ड के की सहायता से वर्ड प्रोसेसिंग सीख रहे हैं। जबकि हम यहाँ पर कंसेप्ट जो सीखेंगे जैसे मेल मर्ज, चार्ट्स वगैरह, ये सब, ये सारे कंसेप्ट आपको लिब्रा ऑफिस और सारी जगहों पर मिलेगा। तो हमने किसी एक चीज का एग्जाम्पल लिया और उसके एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम वर्ड प्रोसेसिंग अब सीखना चालू कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक लिखा हुआ है वो वर्ड प्रोसेसर है, और वर्ड प्रोसेसर को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने
क्रिएटिंग एडिटिंग ये कुछ दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कभी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है। हमने टॉपिक वाइज कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, टॉपिक वाइज का नाम भी मैंने आपको बताया, जैसे चेंज केस, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, क्लियर है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं जिसका नाम है अलाइनमेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलाइनमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर। तो एक टॉपिक आज हम कवर करते हैं, कुछ चीजें हमें रिवाइज करने में निकल गई, आज हम अलाइनमेंट देखेंगे। हमारे पास चार टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, एमएस वर्ड में चार टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, क्लियर है। तो हम टॉपिक आज देख लेते हैं अपना अलाइनमेंट। ये हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वाला जो टॉपिक है इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास चार टाइप के अलाइनमेंट हैं, और ये अलाइनमेंट ऑप्शन जो है वो होम टैब के अंदर हमको मिलता है। इनके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, आप इसके ऊपर माउस रखेंगे तो देखिए, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं, और इसके यहाँ पर आइकन से भी आप देख सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। उसके बाद है राइट अलाइनमेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट अलाइनमेंट है, इसका है कंट्रोल आर, और एक है सेंटर अलाइनमेंट, इसका है कंट्रोल ई। अभी आपने देखा कि मैंने इसको सेंटर में कर दिया, तो मैं क्या कीबोर्ड में कंट्रोल ई दबाया, वो सेंटर हो गया, क्लियर है। और एक अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई, क्लियर है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम काफी आसानी से यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखिए और काफी सारे पैराग्राफ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये इस फॉर्मूला के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन होते हैं, ये फॉर्मूला जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट। फॉर्मूला लगाया एक, उससे एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट हो गया है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ में, आप लेफ्ट अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं साफ साफ यहाँ पर कि पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है, और यहाँ पर देखिए ये हाइलाइटेड है। अब जितने एरिया को आपको अलाइनमेंट करना है उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आप या तो शॉर्टकट रखिए कंट्रोल आर, ये देखिए राइट अलाइन हो गया, राइट में बराबर हो गया, लेफ्ट में गड़बड़ हो गया। जनरली ये वाला सेटिंग हम नहीं रखते हैं, एक प्रकार का होता है सेंटर अलाइन, वो दोनों तरफ गड़बड़ रहता है, बीच में सेंटर की तरफ अलाइन करता है, ठीक है। जो बुक वगैरह प्रिंटिंग होती है उसमें जस्टिफाई का यूज किया जाता है, और जस्टिफाई करते ही दोनों साइड एकदम बराबर हो जाता है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि जस्टिफाई करने के बाद यहाँ पर ये पेज आपको कैसे दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पूरे पेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम जस्टिफाई कर दे रहे हैं। देखिए ये जो अलाइनमेंट है वो काफी अच्छी दिख रही है। तो जब कोई बुक वगैरह की पब्लिशिंग की जाती है तो उसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट रखा जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने छोटा सा टॉपिक देखा जिसका नाम है जस्ट अलाइनमेंट। तो एमएस वर्ड का एक फीचर हमने देखा, एक पॉइंट देखा जिसका नाम था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। और इनके शॉर्टकट कीज भी आप याद रखिए या लिख लीजिए, कंट्रोल एल, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस जे, ये इनके शॉर्टकट्स हैं। इनके अलावा आप इसमें यहाँ पर कुछ चीजें और भी देख सकते हैं, जैसे इनको मैंने सेलेक्ट किया, ये पैराग्राफ जो हिस्सा है ये पैराग्राफ को ही सेट करने के लिए रहता है। यहाँ पर देखिए इन, यहाँ पर मैंने 1.5 है तो मैं इसको 2 ले लेता हूँ। 2 लेते ही इन लाइन्स के बीच का गैप बढ़ जाता है, तो दो लाइन्स के बीच के गैप, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। देखिए आप इसके ऊपर रखेंगे तो ऑप्शन का नाम दिखाता है, तो दो लाइन के बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का जो गैप है, उसको एडजस्ट करने के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है, क्लियर है। तो इसके बीच के स्पेस को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हमने फिर से दो ऑप्शन पढ़े, लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट, क्लियर है। लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट हमने दो ऑप्शंस आज फिर से पढ़े हैं, और ये होम टैब के अंदर पैराग्राफ वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। कल की क्लास में हम इंडेंटेशन और लिस्टिंग देखेंगे, कल की क्लास में इंडेंटेशन और लिस्टिंग देखना है हमें, क्लियर।
तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।